आपका पूछता है क्या कि राज्यों का पुनर्गठन क्या हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ गाइड में कैसे इस सवाल को पूछता है। पूछता है कि आपका कि राज्य पुनः आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और आपको यहाँ टॉपिक भी यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आप पूरी कहानी अगर 5 मिनट में आती है तो ये बात आप टोटल लिखेंगे, लेकिन अगर दो नंबर में आएगा तो आप इस बात पर लिखेंगे राज्य पुनः आयोग की गठन। लेकिन क्यों की गई थी ये पूछ रहा था, तो आप पूरा लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब समझ में आपको आएगी बात। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे कि राज्य में पुनः आयोग गठन की क्यों की गई थी, ये राज्य का पुनर्गठन मुख्य सिफारिश क्या थी। दोनों में से कोई पूछ सकते हैं, 2022 से 2009 में ये सवाल जो है पूछे गए। चलिए तो देर नहीं करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो है क्या नागपुर अधिवेशन, तो ये अधिवेशन कब हुआ था, 1902 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1902 में हुआ था। और कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। कांग्रेस ने क्या किया, मान लिया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा फिर से जो जोड़ा जाएगा वो किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, फिर आजादी के बाद स्थिति और माहौल जो है बदल गया। आजादी जब हुआ तो स्थिति और माहौल का जी बदल गया। फिर आपका देश का बंटवारा हो गया, देश का क्या हुआ जी, जैसे आजादी हुआ उसी रात क्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। ठीक है, फिर आपका है क्या कि भाषा के आधार पर बना पहला राज्य जो है वो कौन था, आंध्र प्रदेश। क्या था जी, आंध्र प्रदेश। ये मांग किया कि मेरी भाषा के आधार पर पहला राज्य बने आंध्र प्रदेश। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र ने विरोध किया, ठीक है, कि भाषा के आधार पर भाई साहब राज्य बनने चाहिए। ठीक है, तो पुराने मद्रास में जानिए, पुराने मद्रास में कौन कौन राज्य था, तो तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, केरल था, और क्या था जी, कर्नाटक राज्य शामिल था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा पुराने मद्रास में कौन कौन राज्य शामिल थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और क्या जी, कर्नाटक क्या थे, शामिल थे। फिर ये विशाल आंदोलन जो है अरुणा आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने को लेकर आया, ये जो आंदोलन है किस लिए हो रहा था, तो आंध्र प्रदेश के नाम का एक अलग राज्य को बनाया जाए भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। किस आधार पर जी, तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, फिर आपका है क्या इसी को, मतलब ये जब कांग्रेस बात को नहीं मान रही थी तो ऐसे में आपका है क्या पुट्टी सिरामुली, ये क्या हुए कि कई दिनों मतलब अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल में बैठ गए। क्या बैठे भाई साहब, भूख हड़ताल पर, कि जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब ऐसे में इन्होंने 56 दिन के भूख हड़ताल पर क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। क्या हो गई, मौत। अब जब मौत हुआ तो आंदोलन और हिंसात्मक हो गया। क्या हो गया, हिंसात्मक हो गया, मतलब पूरा मारकाट होना चालू हो गया। अब ऐसे में लोग क्या सड़क पर आ गए, लोग क्या गए जी, सड़क पर आ गए। तब जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, अब राष्ट्रपति जो चलते हैं, प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले आपके आजाद भारत के, उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश की मांग जो है डिमांड को मान लिया। डिमांड का क्या जी, मान लिया कि भैया हाँ आपको आंध्र प्रदेश जो है राज्य को बना। फिर ये बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग और इसकी क्या जी सिफारिश दी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना कब हुई, 1953, और इसे अधिनियम को पारित कब किया गया, 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित कब किया गया, 1956। फिर इसने अपनी सिफारिश की मांग को मना लिया और राज्य को पुनर्गठन भाषा का आधार उन्होंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, और एक बार ना समझ में आता दोबारा भी वीडियो को देखिए।